नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल दीप पटेल 01 पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे मेक मनी ऑनलाइन अफिलिएट मार्केटिंग एज वेल एज यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस आते हैं। यहाँ पे मैं हर रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूँ, तो यार फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। तो आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूँ 5 ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जिनसे आप 2020 में काफ़ी ज़बरदस्त अर्निंग कर सकते हो। जी हाँ, ये काफ़ी कमाल की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जो सीरियस हैं, जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं इस चीज़ को लेके जो सीरियस हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं और ये उनके लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छी अर्निंग का एक सोर्स बन सकती है 2020 में। तो यार फटाफट एक्साइटेड हो जाइए, यहाँ पर फटाफट मैं ले चलता हूँ आपको कॉन्टेंट पे। चलो आ गए हम वेब पे। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइप करके नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके रख देता तो आप लोग वीडियो स्किप कर देते, इसलिए मैं डायरेक्टली टाइप करता जाऊँगा और आपको बताता जाऊँगा कि ये क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एजेंसी का नाम, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी का नाम जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो है सोशल मीडिया एजेंसी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पहली अपॉर्चुनिटी है सोशल मीडिया एजेंसी। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में कई सारे बिजनेस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन टारगेटेड है। अब उन बिजनेसेस को भी फ्यूचर में ये ज़रूरत होने वाली है कि वो ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनाए। जी हाँ, इंडिया में अभी भी ऐसे लगभग 50% से भी ज़्यादा बिजनेस हैं जिन बिजनेस की ऑनलाइन में ज़ीरो प्रेजेंस है, यानी कि ऑनलाइन में उन बिजनेसेस की कोई प्रेजेंस नहीं है। फ्यूचर में ऐसे रिक्वायरमेंट आएगी कि यार उन बिजनेस को भी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी, तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर आप एक सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट करते हैं तो आप इन बिजनेसेस के सोशल मीडियाज को मैनेज करेंगे और उससे वो आपको उसके बदले एक फीस प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको कुछ स्किल्स आने चाहिए, वो स्किल्स हैं आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको कुछ एड्स रन करने आने चाहिए। अगर ये दो स्किल्स आपको आ गए तो यार आप एक सोशल मीडिया एजेंसी ओपन कर सकते हो। आप चाहे तो अकेले काम कर सकते हो स्टार्टिंग में, उसके बाद एक टीम को भी हायर कर सकते हो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी भी यहाँ पे हजारों क्लाइंट्स हैं जिन्हें इस सर्विस की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है, एटलीस्ट इंडिया में तो अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है। तो आप इसे अभी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है 2020 में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो इस फील्ड के रिलेटेड। अब दूसरी चीज आ जाती है, तो चलो हम दूसरी अपॉर्चुनिटी पे जंप आते हैं जो कि 2020 में बहुत कमाल की हो सकती है, वो है पॉडकास्टिंग एंड वीडियो क्रिएशन। ठीक है, तो यार यहाँ पे मैंने पॉडकास्टिंग और वीडियो क्रिएशन दोनों चीज़ें क्यों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपना काम कर रहे हैं या तो अपने जॉब्स में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर कोई अपना एक यूट्यूब चैनल ओपन कर ले, एक वीडियो क्रिएट करे, उसे एडिट करे और उसके बाद उसे अपलोड करे। इतना टाइम हर किसी के पास नहीं है, लेकिन हर किसी के पास इतना टाइम तो अवेलेबल होता है कि वो अपनी वॉइस को सिर्फ रिकॉर्ड कर सके और उसे डायरेक्टली रॉ अपलोड कर सके। जी हाँ, तो आप यहाँ पे पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप वीडियो क्रिएशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो यार आपके पास कोई भी स्किल हो, आपको चाहे कोई भी चीज़ आती हो जिसे आप सिखा सकते हो, तो बस आपको यहाँ पे स्टार्ट हो जाना है। फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर आपको अच्छे से प्लांट्स कैसे उगाना है ये चीज़ आता है तो आप वो चीज़ सिखा सकते हो, अगर आपको किस तरह से कोई स्पोर्ट खेलना आता है तो वो आप सिखा सकते हो। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं पॉडकास्टिंग और वीडियो क्रिएशन के ज़रिए। कई लोग इसकी मदद से बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। वीडियो क्रिएशन यूट्यूब इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इस पर कॉम्पिटिशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फटाफट से इस प्लेटफॉर्म पर जंप मारिए अगर आप यहाँ पर वीडियो क्रिएशन करना चाहते हो। और पॉडकास्टिंग का मार्केट अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा खाली है, अभी भी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में शुरुआत हुई है। तो यार अगर आज से 5 साल बाद देखोगे तो पॉडकास्टिंग का मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है इंडिया में। तो अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पॉडकास्टिंग और वीडियो क्रिएशन इन दोनों फील्ड्स में। तो फटाफट से इन फील्ड में जंप मारो, एक्शन लो अगर आप इन फील्ड में काम करना चाहते हो 2020 में। अगर पैसे कमाना चाहते हो ऑनलाइन तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
होने वाली हैं। चलो तीसरे अपॉर्चुनिटी पे आ जाते हैं जो कि आप कर सकते हो 2020 में पैसे कमाने के लिए, वो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो उसका नाम है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेस। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल का आप एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इस तरह के आप कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए यूडीमी ले लो, teachable.com ले लो, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना एक ऑनलाइन कोर्स बना के उसे होस्ट कर सकते हो और कोई भी उस कोर्स को खरीदेगा तो उसको उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे हिंदी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, इंग्लिश में कोर्सेज है, उनमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हिंदी में कोर्सेज बनाते हो तो यार इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस है जो कि हिंदी फोकस्ड है तो वो हमेशा हिंदी कोर्स को ही पहले प्रिफर करेंगे। तो यार अगर आप हिंदी में कोर्सेज क्रिएट करना चाहते हो तो आप किसी भी फील्ड में हो, उस फील्ड के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो उसके बारे में कोर्स बना सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, आप इजीली एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो जिस स्किल सेट के रिलेटेड आप करना चाहो। हिंदी में इसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2020 में, 2021, 22, 23, 24, 25 तक ज़्यादातर जो भी चीज़ें होंगी कोर्सेज पे आ जाएंगी। तो यार आपको ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो, तो अगर आप करना चाहो तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है 2020 में, जिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है। तो यार ये नेक्स्ट जो कि अपॉर्चुनिटी है ये थोड़ी टेक्निकल अपॉर्चुनिटी है। एक तो अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में इंटरेस्ट है, अगर आपके पास कमाल के आइडियाज़ हैं, आप एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो और भी ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर सकते हो, तो ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी हैं 2020 में। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यार सॉफ्टवेयर्स की हर किसी को रिक्वायरमेंट है और इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। तो यार कुछ लोग, कुछ टीनेजर्स सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करके मिलियनेयर्स बन चुके हैं और ये सारे एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप अगर ये चीज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो और यहाँ से आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में बताना चाहता हूँ, और ये अपॉर्चुनिटी मैं खुद इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने वाला हूँ, वो है अफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, इस अपॉर्चुनिटी में मैं खुद फिलहाल अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ। एक साल से मैं इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, और ये बहुत ही कमाल की और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि फ्यूचर इस अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है इंडिया में। अब तक यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंडियन कस्टमर्स की भी बाइंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यहाँ पे इंडिया में भी अफिलिएट प्रोडक्ट लॉन्च होना शुरू हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, लेकिन हो चुके हैं। धीरे धीरे बहुत से अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस फील्ड में। अब अफिलिएट मार्केटिंग फाइनेंस फील्ड में भी आने वाली है, तो आप एक चीज़ समझ लो कि अगर फाइनेंस की फील्ड में सबसे बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं इस वर्ल्ड के, तो यार यहाँ पे जो पैसा आप कमा सकते हो वो बहुत बड़ा पैसा होने वाला है क्योंकि फ्यूचर अफिलिएट मार्केटिंग में है। ये फाइनेंस फील्ड में भी अफिलिएट मार्केटिंग अब धीरे धीरे आ रही है, इन्वेस्टमेंट में भी अफिलिएट मार्केटिंग आ रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे पैसे का ट्रांजेक्शन सबसे बड़ा होता है वहाँ पे पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी होती है। तो अफिलिएट मार्केटिंग में आपको ना तो आपकी कोई इन्वेंट्री स्टोर करनी है, ना तो आपको खुद से कोई प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रोडक्ट को सेल करवाना है, रिकमेंडेशन देना है, वो भी आपको पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन नहीं करना है। आपको घर बैठे अमेरिकन, किसी भी अमेरिका के पर्सन को आप यहाँ पे घर बैठे एक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, और वो भी आप टोटली फ्री में भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो यार ये बहुत कमाल की
अपॉर्चुनिटी है 2020 में, 2021 में, 22 में, 2025 तक तो एफिलिएट मार्केटिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है। तो यार फटाफट अगर ये अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठाना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे ये चैनल मेनली फोकस्ड है अफिलिएट मार्केटिंग पे तो और बाकी सारे मेक मनी ऑनलाइन चीज़ों पे। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।